हेलो फ्रेंड्स, सबको राम राम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। सब कैसे हो फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, आज हमें जो खेत में आ चुके हैं, तो आप देख सकते हो पीछे की तरफ है जो हमारी गाय बंधी हुई है। तो इसको हमें जो चारा डालेंगे, अभी है जो घर से इसको लेके आ गए हैं, तो अभी इसको है जो खेत में ही रखते हैं फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो है जो बहुत ही खास होने वाला है, तो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो चलो फ्रेंड्स, अच्छे से दिखाते हैं कि क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। तो अभी आप देख सकते हो ये हमारी है जो गेहूं की फसल है, यहाँ पे हम बैठे हैं। और सबसे पहले है जो गाय को है जो चारा डालेंगे, क्योंकि ये रात भर यहीं पे रहती है, दोनों टाइम है जो यहाँ पे आते हैं और इसको है जो चारा डाल के जाते हैं। अभी सुबह सुबह आ चुके हैं तो इसको चारा डालेंगे, क्योंकि इसको खेत में लेके आ चुके हैं ताकि इसको है जो अच्छे से चारा और ये सब है जो डाल सके। ये हमारे पीछे की जगह है जो यहाँ पे खाली है, और पास में यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हमने जो मिर्च लगाई थी, और इसका वीडियो भी हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से हमने जो मिर्च की जो खेती है वह की थी। तो चलो अभी दिखाते हैं कि किस तरीके से गाय को जो हम चारा डालने वाले हैं और क्या क्या करने वाले हैं। तो ये घर से है जो इसके लिए सूखा चारा लेके आए हैं। वैसे तो इसको घास तो यहीं पे डाल देते हैं, हरा चारा तो इसको यहाँ पे डालते हैं, लेकिन इसको सुबह सुबह जो सूखा चारा खाने की आदत है तो ये भी खिलाएंगे इसको। तो रोज़ है जो घर से लेके आ जाते हैं। तो ये है जो गेहूं का है, तो ये रही हमारी गाय माता, छोटी वाली। बड़ी वाली तो घर पे ही है। यहीं पे रहती है। ये इसके लिए जो यहाँ पे पानी रखा रहता है, गड्ढा खोद के जो इसको रख देते हैं बाल्टी को, ताकि ये है जो बिल्कुल भी गिराए नहीं। तो अभी इसमें चारा डाल के इसको खिलाएंगे, रख देंगे कि इसके पास, तब तक हमें जो हरा चारा काट लेंगे जब तक ये सूखा चारा खाएगी। है जो डाल लिया है इसके पास रखते हैं, और बाकी का जो बचा हुआ चारा है वह दूर रख देते हैं, ताकि कुछ देर बाद में इसको फिर से डाल सकें। तो इस तरीके से खेत में है जो इसकी देखभाल की जाती है। खेत में रहेगी तो ज़्यादा है जो इसको खाने के लिए मिल जाएगा। तो बाकी का जो चारा है उसको यहाँ पे रख देते हैं, कुछ देर में खिलाएंगे। तो अभी है जो हम चलते हैं हरा चारा यानी रिज़का काटने के लिए। वो काटने के बाद में हमें जो घर पे जाएंगे, और घर पे भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो गाय का दूध निकालेंगे। तो यहाँ पे है जो आप देख सकते हो ये फली है सब्जी के लिए, तो यहाँ पे फली बहुत सारी लगी हुई हैं। हमारे यहाँ डल चूल्हे की फली बोलते हैं इसको, आपके वहाँ क्या बोलते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे लगी हुई हैं। तो चलो इनको तोड़ लेते हैं। तो इस तरीके से जो कच्ची कच्ची फलियां हैं उनको तोड़ लेंगे। तो इतनी सारी जो फली है वह तोड़ ली हमने, इसको रख देते हैं यहाँ पे। ये देख सकते हो बहुत ही कच्ची हैं, देखो ये देखो कितनी कच्ची फली है। तो इसकी सब्जी है जो बहुत ही अच्छी बनती है, आलू की सब्जी में डालें तो इसका स्वाद है जो ज़्यादा बढ़ जाता है। और यहाँ पे है जो गोभी लगाई हुई है, उनकी पौध है ये,
तब तक हम ये तोड़ लेते हैं, यहाँ से जो भी कच्ची कच्ची फलियाँ हैं उनको तोड़ेंगे। ज़्यादा मोटी हो चुकी है वह फलियाँ, नहीं तोड़ेंगे बिल्कुल भी। तो चलो अभी हमारी जो फलियाँ हैं वह टूट चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करना। ऐसे अपना जो प्यार और सपोर्ट है बना के रखना। थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।